हाय गाइस, दिस इज योगेश। आज हम बात करने वाले एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो बहुत ही यूज़फुल है, ख़ास तौर पे इस वक्त। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीमीटर के बारे में। तो क्या है ऑक्सीमीटर और कैसे इसे यूज़ करते हैं, चलिए जानते हैं। इसे मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, आपको इसमें वारंटी एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलता है। 6 मंथ्स तक आप इसकी वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर आता है एक और बॉक्स जिसमें है डिवाइस। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये है मैनुअल, इसमें इंस्ट्रक्शंस है इसे किस तरीके से यूज़ करना है। उसके लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसे हैंग करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको ये बटन है उसे प्रेस करना है। उसके बाद आप दूसरे साइड से इसे प्रेस करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है अंदर, और कुछ ही सेकंड्स में ये रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देगा। तो देख सकते हैं इसने रिजल्ट्स सामने डिस्प्ले कर दिए हैं मेरा ऑक्सीजन लेवल। इस डिवाइस की एक और ख़ास बात यह है कि जब इसका यूज़ ना हो तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका बैक में 2 AAA बैटरीज लगती हैं। ये बैटरीज इस डिवाइस के साथ नहीं आई थी, मुझे अलग से लेनी पड़ी थी। ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जानने के लिए। ये कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देता है। इसमें आप अपने हार्ट बीट भी मेजर कर सकते हैं। जनरली ऑक्सीजन लेवल अगर 95 या उसके ऊपर है तो वो ठीक है, अगर 95 के नीचे है तो बेहतर हुआ कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। हार्ट बीट मेजरमेंट की बात करें तो ये 60 से 100 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। अगर मैं ये मेजरमेंट करने के टाइम पे आपको पता चलता है कि आपके हार्ट बीट या ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड से कम है तो पहले घबराइए नहीं, ये आपको अवेयर करने के लिए है, डराने के लिए नहीं है। इस वीडियो में जो डिटेल्स दी गई है वो मेरे रिसर्च के हिसाब से है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है लगभग 1000 रुपये में, और इसके अमेज़ॉन लिंक मैं कमेंट्स में पेस्ट कर दूँगा, आप चाहें तो इसे वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं इस तरह के और वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल का नाम ही है योगेश।